गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो गाइज वेलकम है आप लोगों का मेरे नया ब्लॉग में। सो दो पल हमेशा आपका स्वागत करता है, इस बार भी किया है। तो गाइज अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और अभी एक अचानक से मैंने ट्रिप प्लान किया, अभी देख रहे हैं सोकर उठा हूँ और सडनली ये ट्रिप प्लान हुआ है। तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन में नहीं, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे क्या है, ना ही किसी लोकेशन के बारे में मैंने सर्च करा है और ना ही कुछ। तो गाइज़ सबसे पहले बात ये रही कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूँ डाल्टनगंज से दार्जिलिंग, वो भी अपने कार से। तो आप लोग को सारा चीज़ इसमें दिखाएंगे कि कैसे हम लोग जा सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, कार से ट्रेवल करने में कैसा लगता है और पहुँचने के बाद क्या इन्वायरमेंट है। तो आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे, आप लोग बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमेशा के सामने कार लगा है और हम लोग अब इसी से जाने वाले हैं। बस सामान वगैरह रख लिए हैं और हम लोग निकलेंगे अब। और इसी सुबह के साथ हमारी ट्रिप की होती है शुरुआत, जहाँ पे मॉर्निंग वाइब्स आप देख पा रहे हैं गाइस, एकदम अर्ली मॉर्निंग है, अभी सुबह हुआ भी नहीं है और हम लोग इस ट्रिप पे निकल गए हैं। जहाँ पे निकलते के साथ हम लोग को ऐसे ऐसे व्यू दिखेंगे जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है और इसमें डस्ट खाने के लिए एक अलग फील आता है। विंडो को क्लोज रखना सेफ ऑप्शन है। इसी के साथ हमने देखा ये सनराइज़, जहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये सूर्योदय, मतलब देखने में एक ना बहुत अच्छा सा व्यू बनता है गाइस। और उसके साथ साथ में हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, एक कंस्ट्रक्शन वाला कार्य चल रहा था रोड का, तो उसमें देख सकते हैं बिहार बॉर्डर के नज़दीक थे हम लोग और यहाँ पे सारे घर वगैरह को तोड़ दिया गया था और डस्ट का तो कहना ही नहीं है। डस्ट हम लोग इतना खा रहे थे, लेकिन हाँ ग्लास थोड़ा बंद रखने के बाद राहत भरा जर्नी था। अन्यथा अगर बाइक वगैरह से होते तो कितना धूल पड़ता हो गाइस आप लोग देख कर समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे रोड से होते हुए हम लोग पहुँचे ये 4 लेन हाईवे पे औरंगाबाद, जो हमारे रूट में पड़ता है। तो औरंगाबाद में पहुँचने के बाद बस गाड़ी में बैठकर मैं साइड व्यू को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा बैठने का मौका मिले ना तो ऐसे बैठने में एक अलग ही मज़ा आता है, हमेशा बैठने का मौका नहीं मिलता है। और इसी के साथ हम लोग पहुँचे टोल प्लाजा गेट पर, जहाँ पे हमारा क्या भाई, वो तो पेमेंट करना ही था, उसके अलावा तो क्रॉस करने नहीं देंगे, कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। तो टोल प्लाजा पे पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं बस पेमेंट कटने ही वाला है और जैसे ही कटेगा हमारे गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो गाइस बस बारकोड चिपका दिए हैं और ये देखिए हमारे लिए गेट ओपन हो गया और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि क्या यार पेमेंट कर दिए तो निकलना स्वाभाविक सी बात है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कभी 4 लेन, कभी सिंगल लेन, कभी 2 लेन रोड ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, क्योंकि जब भी आप शॉर्टकट लेंगे तो शॉर्टकट के तरीके में अलग अलग जगह पर पहुँचेंगे और ये आपको माउंटेन व्यू वगैरह जो है ना वो लगभग रास्ता में मिलता रहेगा। तो गाइस बता दूँ कि मैं पहुँच गया हूँ राजगीर वाले जोन में, जहाँ पर मुझे इतनी अच्छे अच्छे पहाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है और देख रहा हूँ। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सामने एक बस भी चल रही है, लग रहा होगा जैसे कश्मीर वगैरह में यार, गजब फीलिंग गाइस। अब बिहार में और आपको ये टांगा देखने के लिए नहीं मिले ऐसा होने से गाइस, यहाँ किसान है। सो गाइस फाइनली 200 किलोमीटर चलने के बाद अभी रुके हैं इधर राजगीर में और अभी देखते हैं तो खाने पीने का क्या सीन है, क्योंकि मॉर्निंग में निकला था, आपने देखा था स्ट्रीट लाइट में मैंने वीडियो शुरुआत किया था और अभी मैं राजगीर पहुँच गया हूँ। तो 200 किलोमीटर का जर्नी कम्प्लीट हो गया है और आगे का भी 500 कुछ किलोमीटर रिमेनिंग है, वो भी कम्प्लीट करेंगे। मैप के हिसाब से रात को 10 या 12 बजे पहुँचेंगे हम लोग दार्जिलिंग साइड, तो वो भी दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा सुबह का टाइम है, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो इधर ही अभी देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है या कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो गाइस मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक होटल कोनार्क है, तो अभी इसी में लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं क्या खिलाता है, इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और गाइस ये ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह हम लोग को मिल गया है चावल रोटी पनीर तड़का दाल वगैरह सारा कुछ, तो मॉर्निंग टाइम खा लेते हैं फिर निकलते हैं। और इसी के साथ हम लोग निकले हाईवे पे, जहाँ पे आपको अगर बिहार से क्रॉस करेंगे ना तो पुल पुलियों के मामले में बिहार कभी पीछे नहीं रहा है। तो गाइज़ इसके लिए आपको बहुत सारा पुल वगैरह क्रॉस करना पड़ेगा, जहाँ पे आप ड्राइव करेंगे इजीली वे में क्रॉस करते जाएंगे। तो गाइज़ जब तक हम रास्ता को देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपने कार से दार्जिलिंग कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो जब मैं प्लान कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारा ऑप्शन आया था कि दार्जिलिंग कैसे जाएंगे, पास वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंट्री परमिट कैसे मिलती है, तो मतलब तरह तरह के दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोगों के पास भी दिमाग में आ रहे होंगे, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अपना ट्रैवल गाइडेंस जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा।
तो गाइज आप देख सकते हैं 4 लेन 2 लेन सारा कुछ आपको मिलते जाएगा। तो जब भी आप इस रोड पर सफ़र करेंगे तो इधर कहीं किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस फ्यूल वगैरह फिल करते रहो और चलते रहो, इस रूट का एक ही रूल है। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा बीच बीच में रुक कर रेस्ट वगैरह लेते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 4 घंटा 5 घंटे ड्राइव करने के बाद आप 10 मिनट कहीं रेस्ट लो, लेकिन कार वगैरह से उतरो, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में लगातार चलना बहुत मुश्किल काम होता है। और आप रोड देख ही रहे हैं, समय समय पर ये रोड बदलता रहेगा, साइड का व्यू बदलते रहेगा और आप साइड का व्यू आराम से देखते रहेंगे गाइस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं इस जाम में, जहाँ आप देख रहे हैं अभी जो जाम लगाना है, यहाँ पे एम्बुलेंस को साइड नहीं मिल पा रहा गाइस। तो थोड़ा सा पब्लिक को समझना चाहिए, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर एम्बुलेंस है तो सबसे पहले एम्बुलेंस का रूट क्लियर करना चाहिए। हालांकि लोग साइड दे रहे थे, साइड से एम्बुलेंस निकल रहा था, बट ये बिहार है ना, थोड़ा सा जब जाम लगता है ना तो क्लियर करने में टाइम लग जाता है। देख सकते हैं इधर एम्बुलेंस के साथ बहुत सारी छोटी बड़ी गाड़ियाँ फंसी हुई है और इन लोग के पीछे मैं भी इधर फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ से बहुत आगे भी जाना है। लेकिन हाँ, ये है कि एम्बुलेंस से ज़्यादा रेंट मेरे लिए नहीं था गाइस। फिर ये टैंक वगैरह जो भी है जिसमें फ्यूल वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा लंबा जाम यहाँ लग जाता है। ये कौन सा एरिया है एग्जैक्टली तो मुझे वो नेम नहीं पता, क्योंकि कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं बिहार में हूँ अभी। तो बिहार में हूँ और ये जाम को धीरे धीरे क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे सारे लोग कर रहे हैं, बस वगैरह सारा कुछ, टुक टुक वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं गाइस। तो बस ऐसे, हाँ, इसमें ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब लंबी जर्नी से जा रहे हो ना, तो ट्रैवल करते करते एक एंजॉयमेंट के साथ जा रहे हो, तो आप अगर लंबा ड्राइव कर लिए हो तो थोड़ा सा वो क्लच प्लेट अगर भीड़ में रुक जाओ तो थोड़ा सा ट्रैवल परेशानी आती है, बट वो जो लोग ड्राइव करते हैं उसके नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मज़े में काटा तो ये जर्नी बहुत अच्छी करती है। जैसे आप देख रहे हो मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ, अपने बस माहौल को बनाए हुए बस मज़े में ड्राइव किए जा रहा हूँ, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो हाँ गाइस, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी पास वगैरह की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि दार्जिलिंग सिक्किम जाने के लिए कभी किसी तरीके का पास का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप सिक्किम गैंगटक तक बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताऊँगा कि अगर ये आपका पहला एक्सपीरियंस है हिली एरिया में, तो इतना बड़ा रिस्क ना लें। जो लोग एक बार ट्रैवल वगैरह कर लिए हैं उनके साथ जाएँ, क्योंकि हिली एरिया कुछ ज़्यादा ही है। उसके साथ साथ आपको परमिट वगैरह की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप नाथुला पास वगैरह जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी की परमिट नहीं मिलेगी, आपको वहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, वो भी वहाँ का लोकल कैब के साथ, क्योंकि नाथुला पास का जो एरिया है वो ज़्यादा ही डेंजर हो जाता है। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अपना यूज़ करते हैं हम लोग, वो लोग अलाउड नहीं करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं करते हैं, वहाँ का जो लोकल वो है ना वो लोग अलाउड करते हैं। जो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं उन लोग के लिए वो लोग सीट वगैरह अरेंज कर सकते हैं, जो वहाँ की छोटी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उसमें पैसेंजर बाई पैसेंजर अरेंजमेंट करने के बाद वो लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो जब भी आप निकलो ट्रिप पे तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आना, बस आपका ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स अगर अच्छा नहीं हो तो भाई जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, ये टोल जो देख रहे हैं ना, ये टोल से आप बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर 40-50 किलोमीटर के आसपास एक टोल बना हुआ है और आप जब भी जाएंगे आपका पेमेंट कटेगा। मुझे लगता है कि आई थिंक मैं जो डाल्टनगंज से दार्जिलिंग गया था, इस बीच मैंने लगभग 9 से 10 टोल जाने टाइम और 9 से 10 टोल आने टाइम इतना चार्ज पे करा हो, क्योंकि बहुत छोटी जगह पे टोल था और रोड थोड़ी दूर के लिए अच्छा रहता है, फिर आपको वही रोड मिलेगा, थोड़ा सा रोड टूटा फूटा ऐसे करके। तो गाइज आप देख सकते हैं ये नाइट व्यू, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हूँ, बिहार क्रॉस कर गया हूँ और वेस्ट बंगाल में नियर बाई सिल्लीगुड़ी हूँ। सिल्लीगुड़ी में बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे घर से निकला था और अभी शाम का 6-7 बजने वाला है और यहाँ भी देख सकते हैं ब्रिज के नीचे से हुए, जैसे मैप मुझे बताता गया मैं चल रहा हूँ, क्योंकि एक और रास्ता था जो शायद इधर धनबाद साइड से होते हुए नहीं कोलकाता साइड से होते हुए रिटर्न हो सकते थे, बट मैंने उस रास्ते में रिस्क लेना सही नहीं समझा, मैं बस शॉर्टकट से चलते गया। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी गाड़ी की अपर लाइट थोड़ी ख़राब थी, काम नहीं कर रही थी, बट लोअर लाइट के साथ ही मैं पहुँचा हूँ दार्जिलिंग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो गाइज आप आराम से जाओ, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना परमिट की ना कुछ। आपको नाथुला के लिए वो लास्ट में बस लेना पड़ेगा कैब वगैरह, तो वो लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको कहीं भी किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ, लोकल पब्लिक वगैरह से थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है जब आप ड्राइव करेंगे, तो वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। और इसके साथ एक चीज़ है कि वहाँ की जो प्रशासन है बहुत सपोर्टिव रहती है, अगर आपको एज ए टूरिस्ट गए हैं किसी तरीके का दिक्कत होता है, अगर आप कंप्लेन कर दिए
तो आपके फेवर में बात होगी, क्योंकि गलती देखने के बाद ही तो पता चलता है। बट वो लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आपको किसी तरीके का कोई ट्रबल लेंस वहाँ आए तो वो लोग सपोर्ट करते हैं गाइस। तो और इसी के साथ देख सकते हैं मैं अच्छे रोड पर पहुँच गया हूँ, और आज बहुत अच्छा सफ़र हमारा कटा है। इस लाइटिंग वगैरह सीन को देखिए यहाँ से। हाँ, कभी कभी क्या है, जब दो ट्रक वाले सामने आपके आ जाएंगे तो ये लोग साइड नहीं देते, ये लोग आपस में बस चल रहे हैं, मैं निकलूंगा, थोड़ा देर तक आपको घिस देंगे, बट कोई नहीं गाइस, आपको इसी में एडजस्ट करना है और निकलते रहना है, क्योंकि वो गाना है ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो बस गाइस, फाइनली लॉन्ग ड्राइव के बाद मैं निकला था घर से सुबह का 6 बजे, और टाइम हो रहा अभी 9 PM। मैं अभी इधर रुक गया हूँ सिलीगुड़ी में, और सिलीगुड़ी से हमने डिसाइड किया कि बाकी का जो दार्जिलिंग तक का लोकेशन है, जो भी डिस्टेंस बचा हुआ है, वो हम लोग कल सुबह कवर करेंगे, क्योंकि यार थोड़ा सा रास्ट भी ज़्यादा हो गया था, और अप्रॉक्स 700 किलोमीटर हमने डिस्टेंस भी कवर करा सेम डे में, तो रनिंग भी ज़्यादा था और आज थोड़ा मूड भी ऑफ है, पता नहीं मेरा दिन में मतलब क्या लिखा है ज़िंदगी में पता नहीं। तो गाइस बस ऐसे ही पहुँचा हूँ यहाँ, और यहाँ पे भी मैंने एक होटल लिया है ताकि रात को सो सकूँ अच्छे से। तो आपको पहले होटल भी दिखाएंगे कैसे है क्या था, और फिर कल सुबह दार्जिलिंग पहुँचने तक का आप लोग को दिखाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ कहाँ घूमेंगे सारा कुछ बताएंगे गाइस। तो अभी आप लोगों ने जैसे रास्ता में सारा कुछ देखा था, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रास्ता में कैसे क्या था, वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मूड खराब होने की वजह से, बट आप लोगों को दिखाऊंगा और बतलाऊंगा अभी रिटर्निंग टाइम, क्योंकि रिटर्निंग भी वही रास्ते से होना है। तो मैं सोचा कि जो चीज़ आप लोग को दिखाना है मैं एक बार उसको देख लेता हूँ कि कैसे क्या है, उसके बाद आप लोग को बताने में अच्छा लगेगा।